क्या नाम है? बाबा बालकनाथ। बालकनाथ, आपको किसने बैठाया है यहाँ पे? किसने बैठाया है आपको? गुरु ने। हैं? गुरु ने। गुरु ने, कहाँ है आपका गुरु? बाहर है? ऊपर। ऊपर है, क्या बोले आपको? क्या बोले? सात साल को। चार साल को। पढ़ाकर गए कौन सी क्लास में? छोटी में। हैं? छोटी में। जोर तोड़ के बता। छोटी में। चलो चलो चलो। आजा। देख सकते हैं बिल्कुल क्या शानदार नज़ारा है, और बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ें अब की बार नई बनाई गई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। अभी लोहारू क्षेत्र के अंदर पहाड़ी माता, जो पूरे देश भर के अंदर प्रसिद्ध है, चर्चा का विषय बना हुआ है, जो नवमी आती है वहाँ पे अक्सर जो नवरात्रे होते हैं 9 दिन यहाँ पे मेला भरता है, और काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो अलग अलग जगह से यहाँ पे काफ़ी जगह से आते हैं। बहुत ही शालीनता भरा यहाँ पे जगह जो है वो बहुत ही शालीनता भरी होती है। हर एक व्यक्ति के ऊपर खुशी आती है जब नवरात्रे होते हैं, और पूरे साल भर के अंदर 2 बार नवरात्रे होते हैं। खास करके नवमी के दिन जो है वो लास्ट दिन होता है, उसी लास्ट दिन जो है उनके श्रद्धालु है वो दर्शन करते हैं, और उसके बाद में अगले दिन से यानी कि कल दशहरा है, उसकी खुशियां भी जो हैं वो देखते ही बन रही हैं, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर देखते ही जो है खुशी जो है वो अलग अलग दिख रही है। ऊपर से मैं दिखाना चाहूँगा कि जो दरबार है, दरवाज़ा है पहाड़ी माता का, वहाँ पर हूँ मैं, और काफ़ी जो चाहने वाले हैं वो हैं, दुकानें जो हैं वो भी लगी हुई हैं। भीड़ जो है आखिरकार आज थोड़ी सी कम ज़रूर लग रही है, लेकिन देख सकते हैं दूर दूर तक आप देख सकते हैं जो चाहने वाले जो हैं वो काफ़ी लोग हैं। आइए थोड़े कुछ लोगों से बातचीत ज़रूर करेंगे, और कैसा माहौल है यहाँ की, जो सिक्योरिटी है वो भी मैं कहना चाहूँगा कि आज तो खासकर हो सकता है कि गगनवमी के लास्ट के दिन थोड़ी सी कमी थोड़ी ज़रूर आ रही है, लेकिन फिर भी 9 दिन तक लगातार इतनी भयंकर जो है वो भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। हर जगह आप देखेंगे जो श्रद्धालु हैं पूरे देश भर के अंदर पहाड़ी माता का जो नाम है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि पहाड़ी माता का यहाँ पे ऐसा आशीर्वाद लोगों को मिलता है कि अक्सर जो लोग हैं वो यहाँ पे धोख मारने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, और खुशबीजाद होते हैं यहाँ आकर के। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे की बात करें, जो हर जो हमारे मास्टर जी आए हैं इनसे पूछेंगे। पहली बार आए हो कि मास्टर जी? राम राम। पहली बार आए हो कि मास्टर जी? पहली बार है। राम राम। किसों को लाग रहे है मंदिर मैडम? बहुत बढ़िया लाग रहा है, बड़ा ठीक रहा है। पहाड़ी माता को अपना मेलो अक्सर भरे जाए है, तो लोग मतलब बड़ा आगे खुश हो जाए। हाँ, भारी खुश होते हैं, लोगों को बहुत साहस आते हैं, नवरात्रा चलते हैं नवरात्रा में आ जाएंगे। हाँ, देखते हैं। तो अभी भाई आगे दर्शन भी करेंगे, हम लोग करने के लिए आए हैं, और सभी लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं इधर से, हर व्यक्ति ने अपनी दुकान जो है वो भी लगा रखी है। हर एक व्यक्ति जो है उनका सबका एक चर्चा बनी हुई है कि पहाड़ी माता का जो नाम है वो गूंज रहा है, आगे चल के आपको दर्शन करवाएंगे, कितनी भीड़ है वो भी दिखाएंगे आपको कि कैसा कुछ लग रहा है। राम राम भाई साहब। और थोड़ी सी गलियों की जो थोड़ी सी सुननी ज़रूर लग रही है, लेकिन हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है, आगे की तस्वीरें जो हैं वो दिखाता रहूँगा आपको बने। और ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि दुकानों के ऊपर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, हालांकि ये देख सकते हैं आप खरीदारी करने वालों की भीड़ जो है वो हर दुकान के ऊपर जो है वो देखते ही बन रही है। राम राम जी। राम राम जी भाई। और ये चाहने वाले हैं सब लोग, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप चाट भंडार, गोलगप्पे वाले को भी इतना कुछ उठाते हुए, और तस्वीरों में आप देखते रहिएगा आगे की तस्वीरें जो है वो पहाड़ी माता की, दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो तस्वीरें भी आपको हम लाइव में दिखाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो। और भीड़ जो है वो खचाखच ज़रूर मिलेगी आपको आगे की तस्वीरों में, देखते रहिए आप। भीड़ शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी भीड़ है, दर्शन करने के लिए लोग अलग अलग जगह से जो है वो आए हुए हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे आज की जो भीड़ है वो इतनी खचाखच है, मिठाइयों की दुकान देख लो, चाहे आप किसी चीज़ के सामान खरीदने की चीज़ देख लो, हर जगह जो है वो भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगी, और सिक्योरिटी भी इतनी टाइट है कि किसी प्रकार की कोई भी
और आगे की तस्वीरें हम अभी पहाड़ी माता का जो मेन गेट है वहां से हम एंट्री कर चुके हैं और आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और यह देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की फौज है वो भी, ताकि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। यह आप देख सकते हैं ये तहसीलदार जी की गाड़ी जो है वो तस्वीरों के अंदर आपको दिख रही होंगी, ताकि किसी पर श्रद्धालुओं को देखनी ना पड़े। पहाड़ी माता के मंदिर के अंदर आम तस्वीरें जो है वो भी दिखाते रहेंगे आपको। और ये देख सकते हैं साहब जी, राम राम। क्या आइटम ले रहे हो बजाई, दिखाओ दिखाई और। ये आइटम है आप देख सकते हैं ताऊ जी, आप ही बजा के देखो, कह रहे हो आइटम है। और ये देख सकते हैं आइटम जो है वो बड़ा मज़ेदार होगा, इसकी आवाज़ जो है वो सालिन भरी, बाकी थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण तो ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी इससे बड़े लोग जो हैं कलाकारी, ये आप देख सकते हैं नई चीज़ दिखती है मुझे तो। अच्छा है, क्या बात है, बहुत अच्छा। गौ माता में लेमिक नाम बीमारी आ रही है, इसके साथ साथ अभी एंट्री करते हैं आगे भी, ये मेन गेट से भी एंट्री करेंगे और तस्वीरों में आप बने रहिएगा वो दिखाते रहेंगे आपको, बने रहिएगा। ये पहाड़ी माता का जो मंदिर है, अब की बार मुकुट जो है वो सोने का मुकुट होगा और श्रद्धालु जो हैं वो बिल्कुल दर्शन करते हुए आपको शानदार तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो आगे हम वीडियो में बनाते रहेंगे, चलो पहाड़ी माता का दर्शन करने के लिए चलेंगे और पहाड़ी माता धाम में जो मेन दरवाज़ा है वहां से एंट्री करेंगे और हज़ारों फीट ऊंची पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी माता का मंदिर है। नवरात्रों के ऊपर यहां पे भीड़ जो है वो काफ़ी देखने को मिलती है, यहां पे जो चाहने वालों की भीड़ तो है ही है, साथ साथ में दुकानें लगाने के वालों की जो है वो भी भीड़ है। कोई रोज़गार जो है जिस व्यक्ति को सालों साल नहीं मिलता है, उनको पहाड़ी माता के मंदिर में आकर 9 दिन का जो रोज़गार होता है वो वाकई में उनके लिए खुशनुमा होता है। तस्वीरों में आपने देखा कि श्रद्धालु जो हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं और वहाँ की तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे। और एक बार बात ही कर लेते हैं इनसे भी, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हो जी? दूधवा से आए हो, कहाँ से हो? दूधवा राजस्थान से हो। जी कहाँ से हो? बुढ़ेड़ा से। लगभग जो है वो अपने एरिया से लोग हैं, लेकिन अक्सर जो हैं वो आउट ऑफ स्टेट से भी लोग आते हैं, गाड़ियां लेकर के आते हैं। तस्वीरों में आप बने रहिएगा, उनसे भी बातचीत करते हुए आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं तस्वीरों में ये छोटा सा बच्चा, क्या बात है। महाराज जी क्या नाम है? बाबा बालकनाथ। बालकनाथ, आपको किसने बैठाया है यहाँ पे? किसने बैठाया है आपको? गुरु ने। हैं? गुरु ने। कहाँ है आपका गुरु? बाहर है? ऊपर है। क्या बोले आपको? क्या बोले? क्या बोले आप? ये देख सकते हैं भाई आप तस्वीरों के अंदर छोटे से बच्चे को बाबा का रूप दे दिया गया है और लोग जो हैं वो जहाँ पे भी कुछ दिखता है वहीं पे इकट्ठे होने लगते हैं। अब इस बच्चे को नहीं पता क्या बाबा होता है क्या महाराज होता है। ताई जो बालक बैठे हो ठीक बैठे हो? हाँ ठीक बैठे हैं। बैठे तो ठीक तो के बैठे हैं ये बच्चे किसी ने पैसा अपना खाता बैठा दियो। ये माता की श्रद्धा है, ये देख सकते हैं, ये श्रद्धा नहीं है, ये किसी की कला है जो व्यक्ति खुद ना मांग करके इस बच्चे से मंगवा रहा है। तो साथियों अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम अब दर्शन करेंगे पहाड़ी माता के, और ये लाइनें लगी हुई है, यहां से एंट्री हो गई और एंट्री होकर के अंदर से जो लोग हैं दर्शन करके बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं। अंकल जी कहां से आए हो? पहाड़ी से ही हो प्रॉपर। अलग अलग जगह से जो लोग हैं छोटे बच्चे हैं इनसे पूछ रहे थे, बेटा कहाँ से हो? पहाड़ी से। प्रॉपर पहाड़ी गाँव से ही हैं, लेकिन और जो लोग लगे हुए हैं उनसे भी पूछेंगे। हाँ जी कहाँ से आए हो? महेंद्रगढ़ से। यहाँ पहली बार आए हो या मतलब हर बार आते हो? पहली बार आए हो। तो पहाड़ी माता के मंदिर के अंदर आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है। अंकल जी कहाँ से हो? लोहारू से हो। वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये लोग हैं अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं, वो आगे की तस्वीरें जो हैं वो लाइन में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है वो लगी हुई है। और इस भीड़ के उस लाइन में हम लग चुके हैं और वो लाइनें
आप देख सकते हैं यह ताई जी हैं, माता श्री हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ जो है, जाने वालों की, आने वालों की। ये आप देख सकते हैं बिहार के बाहर सुंदरता जो है, ये लाइटिंग लगानी होगी। जो है मेन दरवाज़ा है, क्या शालीन बना रखा है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी माता मंदिर में जो भी आता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ की तस्वीरें जो हम आपको दिखाऊंगा, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अंदर की जो हैं, अंदर जो लोग ये देख सकते हैं आप, इसे एंट्री गेट से एंट्री होगी आपकी। और तस्वीरों में आपको हम आगे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहाड़ी माता मंदिर में आकर के आप भी दर्शन कीजिएगा। नज़र आ रही है लोगों के चेहरे पर, ये देख सकते हैं एंट्री गेट। अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे पहाड़ी माता का मंदिर बना हुआ है। हालांकि पुलिस की सिक्योरिटी यहां पे ज़रूर है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो लोगों को यहां पे ना देखनी पड़े। और जल्दबाजी के अंदर जल्दी जल्दी जो है वो लोगों को दर्शन करने के बाद निकाला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अभी भी दर्शन करके हम ज़रूर जो है वो इस यहाँ से निकलते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो पूरी टाइट है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और सर से बात करते हैं, नमस्कार सर। हेलो, कहाँ से यात्रा? मैं सर यही पहाड़ी माता मंदिर से हूँ। पहाड़ी माता मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं? जी सर, काफ़ी लोग जो हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। पहाड़ी माता से हमारे प्रांत में बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और बिहार में बेगूसराय, पटना और बम्बे से, यहाँ काफ़ी दूर दूर से जो है भगत जन पहाड़ी माता मंदिर के श्रद्धालु जात चरुला मुंडन इत्यादि यहाँ करवाते हैं। अच्छा, पहाड़ी माता का कितने सालों से यहाँ पे मेला लगता है? यहाँ करीब हजारों वर्ष से मेला लग रहा है। और यहाँ लंगड़ा लूला जो भी आदमी अपनी मंगत मांगता है उसको मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब हर साल में लगभग दो बार नवरात्रों के ऊपर तो बढ़ता ही बढ़ता है, या हर समय आते दिखते हैं श्रद्धालु? यहाँ दो बार नवरात्रि होता है, चैत का महीना, अश्विन का महीना, साल में दो बार मेला लगता है। उसके बीच में भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं जिनकी शादी नहीं होती, उनको पत्नी की प्राप्ति होती है, जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिनका व्यापार नहीं चलता है माँ से मंगत मांगते हैं उनका व्यापार होता है। जो आदमी को अंधे हैं जिनको दिखता नहीं तो माँ उनको आँखी की रोशनी भी देती है सर। मतलब ये पूरे मन्नत मांग करके जो व्यक्ति यहाँ पे आता है मन की श्रद्धा से उनको पूरी, बहुत इस मंदिर के अंदर बहुत बहुत चमत्कार देखे हैं। और ये आदि समय में यहाँ पांडवी माँ की अर्चना पूजा के लिए पहाड़ी माता मंदिर आए हैं। यहाँ नवाब का भी शासन था, नवाब के भी लोग यहाँ, नवाब भी पहाड़ी माता की पूजा अर्चना करते थे। अच्छा, नवाब के समय से ही पुराने लोगों का यहाँ पर संबंध रहा है? बिल्कुल जी, नवाब के से लोग जुड़े हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नवाब का उस समय पे यहाँ पे शासन हुआ करता था, कि देख रेख नवाब के समय में नवाब की हुआ करती थी? इस समय पुजारी थे हमारे, तब वो गांव के पुजारी थे, और नवाब जो यहाँ का राजा था वो महा की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर आते थे। और अब ये पूरा हरियाणा सरकार की देख रेख में है? ये हरियाणा सरकार की 145 इसका तहसीलदार जी रिसीव है, एसडीएम इसका प्रधान है, और सरकार की देख रेख में प्रशासन इस मंदिर को चला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा हमें आपने देखा अखिलेश पंडित जी पहाड़ी मंदिर, पहाड़ी माता मंदिर अखिलेश पंडित। तो अखिलेश पंडित जी से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि हजारों सालों से जो है वो पहाड़ी माता के मंदिर के अंदर जो जवाब नवाब का समय हुआ करता था उस समय से ही लोगों का यहाँ पे जमावड़ा रहता है, और उस समय नवाब भी यहाँ पे जो है वो मंदिर के में पहाड़ी माता के दर्शन करने के लिए आते थे। जो भी श्रद्धालु जिस मन्नत के साथ यहाँ पे आता है उसकी मनोकामना जो पूरी होती है। पीछे मेरे तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कितनी सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पे प्रबंध जो है वो किए गए हैं, और एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, एसएचओ हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं ताकि लास्ट दिन है, अंतिम दिन, आज अंतिम दिन होगा, आज आज नौमी तिथि, अंतिम 9 दिन का मेला था, आज लास्ट प्रोग्राम है मंदिर का। बहुत अर्चना के लिए, पूजा के लिए लोग दूर दूर से, भारत के कोने कोने से आते हैं पूजा और अर्चना करने के लिए। इस
स्टूडियो में आपने देखा, और अभी SHO साहब से भी बातचीत करेंगे। और ये लोग आए हुए हैं, ये पूछ लेते हैं हम कहाँ से हैं। भाई साहब, आंटी जी, कहाँ से हैं? खबौर से। कहाँ पड़ता है ये? पंजाब से है। तो पंजाब से इतनी दूर आप यहाँ पे आए हैं पहाड़ी माता मंदिर के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए। कैसे पता चला आपको पहाड़ी माता मंदिर? हमारी तो बहुत सही है, कुलदेवी है, हमारे तो हमारी कुलदेवी है। अच्छा, काफी सालों से ही आप जुड़े हुए हैं। 10 मिनट रुकने भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ के कैसे लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? हम तो बहुत साल से हो गए, 20-25 साल से आ रहे हैं। तो क्या मतलब आपको ऐसा लगा है यहाँ पे आने के बाद भी आपके जीवन के अंदर कुछ बदलाव आया? बहुत ज़्यादा जी भाई साहब। बदलाव तो आता ही है, देखो मान्यता भगवान की मान्यता है तो फिर आना भी चाहिए। बदलाव तो आता ही है, देखो एक मन में अपने श्रद्धा है, सबके भक्ति रहते हैं। पूरे परिवार के साथ आए हैं हम लोग धूप मांगने के लिए। पंजाब कौन सी जगह? पंजाब में कहाँ से? पंजाब के अंदर जगह अपने अबोध से आए हैं जी। अबोध तो वहाँ से स्पेशल आते हो, हर साल आते हो? हाँ जी, हाँ जी, 4.5 घंटे का रास्ता है जी अबोध से यहाँ का। अच्छा अच्छा, स्पेशल आप देख सकते हैं आप 4.5 घंटे का सफ़र तय करके जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और ये भी शायद दूर से ही आए होंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब? अटेली मंडी। कहाँ से? अब नया ब्याह हुआ होगा आपका? अच्छा, आज दर्शन करने के लिए आए? अच्छा, मनोकामना पहले मांग के गए थे क्या? नहीं, पहली बार आए हो मंदिर? मम्मी आई थी हमारी। पहली बार आए हो आप? हाँ, हम पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है मंदिर में? अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। तो आज पहली बार आए हो, शादी के बाद पहली बार आए हो क्या? हाँ, हम तो पहली बार। शादी आपकी? हमारी 13 दिसंबर। 13 दिसंबर भाई जी, राम राम। दोनों बेटे को और बिटिया को दोनों को आशीर्वाद दे दिया पहाड़ी माता मंदिर में। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? अच्छा लग रहा है, और दोनों ने आशीर्वाद लिया है पहाड़ी माता मंदिर का, और अच्छा लगा इनको। और आगे की तस्वीरें जो है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और जिस प्रकार से सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो हरियाणा पुलिस जो है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अभी एक मिनट के लिए जो SHO साहब हैं लोहारू के, विद्यानंद दहिया जी, इनसे बातचीत करेंगे। और तस्वीरों में आपने देखा, ये देख सकते हैं आप, SHO साहब जो हैं वो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो उनको ना हो। और अभी SHO साहब से बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई शायद ज़रूरी फ़ोन जो है वो उनका आ चुका है, तो उनसे बातचीत करने से पहले सिक्योरिटी हैं यहाँ पे, सर से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कितने दिन से सिक्योरिटी में लगे हुए हैं सर? यहाँ सर 1 तारीख से लगे हुए हैं हम। कितने तारीख से? 1 तारीख से। 1 तारीख से। हाँ। तो मतलब जो हरियाणा पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, तो किस प्रकार से जो हरियाणा पुलिस का सहयोग बन रहा है यहाँ पे? ये देखो, जो नाकाबंदी कर रखी है, जितने पॉइंट है सभी पे अपने जवान खड़े हैं पुलिस के, आने जाने वाले पर पूरी निगरानी रख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या लोग ना। CCTV कैमरे लग रहे हैं, उनसे निगरानी कर रहे हैं पूरी तरह से सबका। ये श्रद्धालु ये पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें, पूरा सहयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आ रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। आज मतलब अंतिम? हाँ, अभी संभावना है, अभी तो लगे हुए हैं, अभी तो लोग आए हुए हैं। हालात का भी लोग आए हुए हैं अभी तो। तो ये आपने देखा हरियाणा पुलिस के जो भी सिपाही यहाँ पे हैं वो हर जगह यहाँ पे कि किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो लोगों को ना हो, और जहाँ जहाँ पे जो टी पॉइंट बने हुए CCTV कैमरा के अंदर जो है वो निगरानी है। और हरियाणा पुलिस, क्योंकि सुरक्षा जो है वो हरियाणा पुलिस के, हरियाणा के ही नहीं बल्कि जहाँ पे भी किसी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के अंदर किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या आती है, तो वहाँ पे हरियाणा पुलिस जो है वो अपना अहम योगदान देती है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मुकुट है, लहराता हुआ जो झंडा है आपको यहाँ के आसपास गांव के अंदर पहाड़ी माता का जो मुकुट है वो बिल्कुल शालीनता भरा नज़र आ रहा है, और लग रहा है कि जैसे सोने जैसा चमक रहा हो, और बिल्कुल सोने के मुकुट जैसा ही यहाँ पे जो पहाड़ी माता का जो मेन कह सकते हैं कि मुकुट है, ऊपर से जो चोटी बनी हुई है वो बिल्कुल सोने की तरह चमकती हुई आसपास के क्षेत्रों के अंदर दिखाई देती है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आजा ये देख सकते हैं आप। हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए, देख सकते हैं आप कितने पहाड़ी माता इन लोगों के ऊपर ही सवार हो रखी है। और ये देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट ज़रूर बनाया गया था, लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए, और फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो है
यहाँ पे चाहने वाले हर जगह ही देखते ही पता बन रही है। और मास्टर जी फोटो खींच लेते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्या शानदार नज़ारा है। और बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ें अब की बार नई बनाई गई हैं लोगों के लिए। और देखते ही देखते पूरा हरियाणा, मैं कहूँगा कि आसपास का क्षेत्र जो है वो इस तरीके से लग रहा है। क्या देख सकते हैं यहाँ पे आप, सेल्फी पॉइंट जो है उससे थोड़ा सा पास में जब हम आएंगे तो पूरा का पूरा पहाड़ी गांव तो यहाँ से दिखेगा ही, लेकिन आसपास का जो गांव है, आसपास के क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, वास्तव में जो यहाँ का लुभावना क्षेत्र आसपास की जो देख सकते हैं नेचुरलिटी है, प्रकृति है, उसने इस प्रकार से पहाड़ी माता मंदिर की जगह जो है वो इस जगह पे कहना चाहूँगा कि क्या खास जगह चुनी होगी। जिस जगह के ऊपर चुना होगा शायद यहाँ पे जो भी व्यक्ति आते हैं, ये देख सकते हैं आप जो भी, और यहाँ से आप लहराता हुआ पहाड़ी माता का जो मंदिर है उसका मुकुट आपको लहराता हुआ खास नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो बात है कि यहाँ पे अब की बार लिफ्ट की सुविधा जो है वो भी बनाई हुई है। श्रद्धालु इस चीज़ का भी आनंद उठाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं इतनी ऊंचाई के ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं तो उनके लिए लिफ्ट की सुविधा जो है वो लगाई हुई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा जो है वो यहाँ पे आप लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए लोग आते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैं मेहर को महाराज 7 साल को और कड़े पहाड़ी तो है गे 4 साल को है 4 साल को 7 साल को 4 साल को पढ़ा कर गे कौन सी क्लास में छठी में हैं छठी में दो तोड़ी बता छठी में तो 7 को है फिर तो अच्छा रे सरकारी स्कूल में पढ़ा कर गे गांव कौन सा होते रहो हैं गांव कौन सा है चरखी दादरी हैं चरखी दादरी चरखी दादरी तेरे पापा का क्या नाम है अबीन अबीन तो देखो भैया छोटे छोटे बालक हैं और पढ़ने के टाइम है और बैठा दिया इसने देखो महाराज बना दिया इसको पहाड़ी माता मंदिर के ऊपर। और हर जो व्यक्ति आ रहा है वो इसकी फोटो जरूर ले रखी है। और इससे छोटे से बच्चे से ताऊ जी राम 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 ये बालक ने बैठा रखे है इस बालक ने बैठा रखे तेरा ने मंगनिया उन्हीं बांध रखे हैं का गाबा कि मैं कोनी है मतलब आन बैठा दी और इसका दे हाँ उधर किम पई है या आमदनी हो जाएगी यह और कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल सही बात बताई है ताऊ ने भी ये बालक ने बैठा रखे है ये सिर्फ आमदनी का जरिया है कि बालक ने देख के भाई 5-10 रुपये चढ़ाऊंगे और फिर इस तरह ले जाऊंगे। और ये देख सकते हो आप तस्वीरों के। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको पहाड़ी माता मंदिर के लाइव तस्वीरें दिखाई हैं और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से सिक्योरिटी दे रखी है कि आम जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और SHO साहब भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो जिस प्रकार से आम जन के लिए जो सहयोग मिल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार। कितने दिन से सर यहाँ पे आपकी जिम्मेवारी लगी हुई है? अभी नवरात्र है, जब से स्टार्ट हुए तभी से ड्यूटियाँ लगा दी गई। तो जो आम लोग आते हैं किसी प्रकार की कोई जो कई बार बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो आम जनता को परेशानी करते, तो ऐसा कुछ माहौल अब की बार ऐसा हुआ सकता है? नहीं, सभी ठीक आ रहे हैं और CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग है, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, सब पीसफुल चल रहा है, सभी धार्मिक स्थान है, अपने माता के दर्शन करने आते हैं, चले जाते हैं। तो मतलब आम दिनों के बारे में कैसे कहना चाहेंगे कि खासकर 9 दिन जो नवरात्रे होते हैं उस पर ज़्यादा भीड़ लगती है और आम दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं होता है? हाँ, आम दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन नवरात्रों में आस्था है लोगों में, वो यहाँ पहाड़ी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे स्टेटों से आते हैं, तो इसलिए काफ़ी भीड़ हो जाती है। जी आपका ही पूरा सहयोग रहता है सर, क्योंकि आम लोग जो देखते हैं कि पुलिस सिक्योरिटी है तो शायद वो लोग भी शायद मन के अंदर दूसरी भावना बना लेते हैं कि हम आराम से निकलें और आराम से जाएं, तो शायद ऐसे मतलब अब की बार जो लोगों की भीड़ जो है वो शायद काफ़ी ज़्यादा लग रही है अब की बार। हाँ, अब की बार कुछ ज़्यादा भीड़ आई है क्योंकि बच्चे और महिलाओं में ज़्यादा इस बारे उत्सुकता होती है कि भाई वो पहाड़ी माता पे जाएं, दर्शन करें, और बच्चों को खरीदारी का भी बड़ा शौक होता है, वो मेले में ही खरीदते हैं। जी, और इसलिए काफ़ी लोग अब की बार आए हैं और अभी तो आने ही लग रहे हैं, चल ही रहा है। तो आज अंतिम दिन होगा शायद या फिर एक दो दिन और भी लगेगा? शायद कल तक ऐसा ही चलेगा। तो आपका आज तक
ना, हमारी ड्यूटियाँ हैं लगातार, जब तक चलेगा जब तक ड्यूटियाँ तो ड्यूटी रहेगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो जिस प्रकार से साथियों आपने सुना कि एसएचओ साहब ने बताया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, तो पुलिस प्रशासन उसमें पूरा सहयोग कर रहा है। और आपने आगे आपने ऊपर भी देखा था आपने की तस्वीरों के अंदर कि एसएचओ साहब ने बताया था कि जो चीज़ें अक्सर जो भीड़ होती है उससे अब की बार ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिली है, और आम पब्लिक जो है वो अभी भी आ रही है, ख़रीदारी ज़रूर कर रहे हैं लोग। और वहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे एक भाई साहब भी हैं जो काफ़ी समय से जो है बैठे हुए हैं। भाई साहब, ये ऐसे कैसे बैठ गए आप, क्या ख़रीदारी नहीं हो रही क्या आपकी? मेरे सुबह से घूमते घूमते पैर दर्द करने लग गए, इसलिए मैं बैठ गया। अच्छा, पैर दर्द करने लग गए। हाँ। तो खरीदारी हुई कि नहीं हुई? हाँ, बढ़िया काम चल रहा है। काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो गुब्बारे बिक रहे हैं आपके? बिक रहे हैं, बढ़िया बिक रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो लेके जाते हैं? हाँ, लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा सैंपल जो है वो ये सिर्फ दिखाने का होता है। अच्छा अच्छा। और बेचने का छोटा होता है। हाँ, देख सकते हो भाई, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और अब पैर दर्द करने लगे हैं, इसलिए अपना धरना जो है वो भाई साहब ने यहीं बैठा दिया है। और संजय सर ने इनके ऊपर मेहरबानी की, भाई दो गुब्बारे दे दो, तो एक गुब्बारा जो है वो भी आप भाई साहब लगे रहो आप। और तस्वीरों में आप देखते रहिए, छोटी छोटी क्लिप जो हम आपको दिखाते रहेंगे। खास करके हर व्यक्ति जो है वो सहयोग कर रहा है, हर व्यक्ति जो है वो अपना समझ के जो है वो मंदिर के अंदर आकर के जो अपना मत्था टेक करके जा रहा है, अपनी मन्नतें मांग के जा रहा है। और बड़े बड़े श्रद्धालु बड़ी बड़ी जगह से, मैंने अभी देखा कलकत्ता से लोग आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, यानी कि पूरे देश भर के लोग जो हैं वो पहाड़ी माता मंदिर के अंदर दर्शन करने। पूरे मेन गेट, पूरे गेट पर हम हैं। करांगा तो पाऊंगे जितने बात करे जिस वीडियो देखे हैं तो लड़की तो करनी थी। राम राम भाई, बंदूक राम राम भाई, बड़े बड़े भाई रे, बैठ कर दे बढ़िया सीन में आओगे गजा भारी कहते हैं तेरा बिकवा दें पहन कर दमाको लेके भाई साहब। हाँ चला, कैसा लग रहा है सर, जो आम जन है, भारी भीड़ है, फिर भी आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है? हम तो सेवा के लिए हैं जी, सेवा कर रहे हैं। जहाँ भीड़ है वहाँ भीड़ कोई इकट्ठी ज़्यादा है वहाँ से हटा देते हैं, गाड़ी वगैरह आती हैं उनको अंदर नहीं बढ़ने दे रहे। लगभग 9 दिन हो गए आज आपकी ड्यूटी को लगे हुए, तो ऐसा कोई मामला नहीं आया जिस प्रकार की कोई दिक्कतें सामने आई हो? हाँ, कुछ एक थे आवारा तत्व तो जो हमने आते ही पकड़ लिए थे और उनको समझा बुझा के फिर छोड़ दिए। एक लगाई गई। हाँ जी, यहाँ पे आप तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, हालांकि भीड़ तो कम है थोड़ा सा, और जो देख सकते हैं आप यहाँ पे गुलदस्ते ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के खिलौने ले सकते हैं, आप छले ले सकते हैं, और सब्जी चाहिए तो आम दिनों में मिलती है सब्जी, लेकिन आज सब्जी भी यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और जिस जगह पे जाएंगे, जिस दुकान पे जाएंगे, उस पे आपको कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर मिलता रहेगा, तस्वीरों के अंदर आप देखते रहेंगे। और ये जो है वो शायद बहुत अच्छा लगा, अगर कोई व्यक्ति अपने प्यार को अच्छा करना चाहता है। भाई साहब आ जाए, एक बार छोटी सी बातचीत कर लें इधर। ये आपने देख सकते हो कि अगर आप एक फैमिली के साथ रह रहे हैं और फैमिली को खुश करना चाहते हैं, तो आप एक लवर कपल हैं और घर पर लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम राम। ये बेस्ट कपल आप दे रहे हो हैं, ये देख सकते हैं आप, अपनी मम्मी को प्यार करने वाले आप देख सकते हैं कि अगर आप मम्मी से प्यार करते हैं। और ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजर। क्या कोटेशन है भाई साहब, कितने रुपए लेते हो आप इसके? ये पड़ेगा 100। 100 रुपये का जी। इसमें नाम भी लगा के देते हो क्या? नाम लिख के देते हैं। हाँ जी। तो आम दिनों की बजाय मतलब आपको कैसा लग रहा है कि खरीदारी काफ़ी हो जाती है क्या? हाँ हो जाता है, सही निकल जाता है काम, सही निकल जाता है। हर आइटम जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं,
अलग अलग जगह पे जो लोग हैं वो जा रहे हैं, जहाँ पे जो आइटम जिनको जहाँ अच्छा लगता है वहीं पे लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं जो भी आइटम ले जाना चाहें आप 100 रुपये में 3 आइटम ले सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं जिधर भी देखोगे आपको खुशहाली नज़र आएगी, आपको अच्छा सा नज़ारा नज़र आएगा। जो भी चीज़ मिठाइयों की दुकान पर देखें, हालांकि थोड़ा सा रस कम ज़रूर नज़र आ रहा है क्योंकि आज लास्ट दिन था अंतिम, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे आप आइटम। हाँ बेटा, पापा का क्या नाम है? पापा कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए पापा? नाम बताओ बेटा पापा का। ये माइक किसका है? कौन से जानता है? मैं पुलवास पर, मतलब राजस्थान। हाँ अच्छा, कितने किलोमीटर? इसके बारे में बता भाई, हाथ दिखाइए तेरा। ये कौन है नया नंबर यार? जो भी है दिखा भाई, तुम मुस्तफा का तो बड़ा फैन है भाई। ये कड़े लोहा रूम बनाए थे, आज बनवाए रहे हैं? अच्छा, और किस किसने बनवाया है? दिखा भाई टैटू किस किसने बनाए, दिखाइए भाई, दिखाओ। ये अमित सैनी का है? यस सर। तू किसका फैन है भाई, तू बता भाई। यो माँ को दिखा, तेरा किस पर भाई है? अपना सिद्धू मूसेवाला। हाँ भाई, ये तो सबका दिल माड़ा तेरा यार, सिद्धू मूसेवाला। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने पहाड़ी माता मंदिर के लाइव तस्वीर आपने देखी है और आपको कैसा लगा, आपको यहाँ पे देख करके, अलग अलग जगह के श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की, कोई अलग अलग जगह से छोटे छोटे बच्चों की, एक छोटा सा बच्चा जो यहाँ पे आपने देखा कि एक साधु का रूप लिए हुए था, लोगों का सबकी नज़रें जो हैं वो उस छोटे वाले बच्चे के ऊपर लगी हुई थी। पूरे मेले का हमने आप लोगों को भ्रमण करवाया है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।